अपने होटल से निकले हैं और मशहद से अब हम जा रहे हैं निशापुर और मशहद की इतराफ़ की ज़्यारतों पे, वहाँ पे जो इमामजादों की ज़्यारतें हैं, तो हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। तो गाड़ी हमारी खड़ी हुई है, हम गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं अपने होटल से निकल के। तो मैं आपको सामने के कैमरे से दिखाता हूँ, सामने इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम का रोज़ा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सामने का जो है वो मनाज़र है। ये देखें, सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और चलें हम गाड़ी में बैठते हैं। ये देखिए, गाड़ी में हम बैठ रहे हैं और बैठ के फिर हम निशापुर और मुख्तलिफ़ इतराफ़ की ज़्यारतों में जाएंगे, तो चलें गाड़ी में बैठते हैं। अच्छा, तो ये हम उतरे हैं यहाँ पर, तो ये हम आए हैं हज़रत यासिर नासिर के रोज़े पे, और यहाँ से अब हम, ये हमारी गाड़ी रुकी है और अब हम पैदल जाएंगे यहाँ से। हज़रत यासिर नासिर जो हैं, ये इमाम अली रज़ा के भाई थे, इमाम मूसा काज़िम के बेटे। तो अभी हम उनके रोज़े पे जा रहे हैं। ये देखें, ये सामने आ गया है हज़रत यासिर नासिर की रोज़ा मुबारक। अच्छा जी, अंदर दाखिल हो गए हम। देखा, यासिर इब्ने मूसा अल काज़िम अलैहि सलाम की रोज़ा है और वो दूसरी तरफ हज़रत नासिर अलैहि सलाम का है। ये हज़रत यासिर का है, ये हज़रत नासिर का है अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, ये देखें, अब हम जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं हज़रत यासिर बिन मूसा काज़िम और हज़रत नासिर बिन मूसा काज़िम के रोज़े से।
अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये मजलिस चल रही है खवातीन की। देखिए हम बाहर आ गए और सामने देखें पेड़ सारे सूखे हुए हैं, मर गए हैं पेड़। ये थे इमामजाद गान यासर और नासर। थे इमाम अली रज़ा के भाई इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे। चले जी गाड़ी की तरफ चलते हैं हम। अच्छा जी ये देखें हम गाड़ी में बैठ गए, अब हम जा रहे हैं निशापुर। ये देखें यहाँ बर्फबारी हो रही है पूरी। देखें बर्फ गिरी हुई है। अच्छा जी हम एक डेढ़ घंटा तकरीबन हमने सफ़र किया है और अब हम निशापुर पहुंच गए हैं और यहाँ पर मौला के कदम मुबारक हैं। ये आप देखें ये पहाड़ी के ऊपर वाक़ है और अब हम जा रहे हैं। अच्छा जी ये देखें हम दाखिल हो गए हैं मौला के कदम मुबारक पे। ये देखें मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम के कदमगाह पर हम आ गए हैं अंदर और ये वो जगह है जहाँ चश्मा जो है वो जारी हुआ था। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे वो चश्मा फूटा था और अब यहाँ पर जो है ये इन्होंने पूरी वो लगा दिया, चश्मा बंद कर दिया, चश्मा बंद करके अब इन्होंने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ से लोग पानी भर भर के लेके जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पानी की बोतल भर रहे हैं तो ऐसे भर के लेके जाते हैं। यहाँ पर हदीस एक बयान की है जो बहुत ही अहम हदीस है। इमाम ने बिस्मिल्लाह फरमाई और फिर कहा कि और जैसे हदीस देखिएगा, इमाम ने फरमाया कि मैंने अपने बाबा से, मेरे बाबा ने उनके बाबा से, इसने बयान करते करते कहा मौला अली से, इमाम रसूल खुदा से, और रसूल खुदा जिब्राइल ने कहा है कि अल्लाह ने यह फरमाया है खाल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी। एक हदीस कहते हैं ये हदीस है सिज़ातु ज़हब, इमाम फरमाया कि हमारे अजदाद से और जिब्राइल ने फरमाया कि कलमा ला इलाहा हिस्नी फमन दखल अमिन हिस्नी अमिन अमिन अज़ाबी। इमाम ने फरमाया कि खुदा फरमा रहा है, जिब्राइल कहते हैं खुदा कह रहा है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, जो इस किले में दाखिल होगा वो मेरे अजाब से अमान पा जाएगा। अब यहाँ जो अहम बात है, इमाम अलैहिस्सलाम ने जब ये बयान किया उसके बाद ऐसे कलमे को छोड़ा है जुमले को कि अभी कुछ और कहना चाहते हैं, क्योंकि उस बात की जो अहमियत थी इस तरह से होती है कि कलाम इस तरह छोड़ा जाए कि एक अहम बात है। ये कहकर इमाम ने अपने महमिल के पर्दे को गिरा दिया। अब लोगों के कलम ठहरे हुए हैं और इमाम ने इस तरह छोड़ा कि अभी कुछ कहना चाहते हैं।
चल लम्बा दोबारा आपने अपने सारे मुकदस बाहर निकाला और कहा अम्मा फशर तेहा व शुरू तेहा। लोग लिख रहे हैं 18,000 रागियाँ लिख रहे हैं इस हदीस को और यह हदीस पाई जाती है तमाम बरादरान मुस्लिम में भी। अब लोग कह रहे हैं भाई अम्मा मिन शुरू तेहा, मगर इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के जो किला है जिसमें आने से खुदा के अजाब से अमान पाएंगे उसकी एक शर्त है। लोग ठहरे का भी शर्त क्या है, वो फरमाया व अना मिन शुरू तेहा और हम अहले बैत की विलायत वो कलमे में दाखिल होने की शर्त है। तू पढ़िए मदर अहले बैत में अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। यानी खुदा फरमा रहा है जिब्रील के तौर पे कि अगर जो कलमे में आएगा, कलमे में आना काफी नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तक अली मौलवी ना हो जब तक खुदा के इस्लाम में दाखिल होने का हक अदा नहीं हो सकता। तो ये बहुत अहम हदीस है जो यहाँ पर इमाम ने बयान की है। उसके बाद ये इमाम ने बयान किया, उस पर जब ये जो मौज़ा यहाँ पर ख़ास है तो ये बात बयान की कि कलमे में आने का हक जब तक विलायत ना हो कलमे में आने का हक अदा नहीं होगा। उस पर इमाम तशरीफ़ फरमाते यहाँ पर नीचे उतरे और कहा कि भाई नमाज़ पढ़ोगे वज़ू के लिए पानी लाओ, कहा इमाम यहाँ पानी मौजूद नहीं है। गौर कीजिएगा जो आठवें इमाम का एक मौज़ा यहाँ पर है जिसके लिए यहाँ पर आए भी इमाम के कलम की जाकर, ये वो कदम कहा है इमाम खड़े हुए थे कहा पानी नहीं है, इमाम ने अपने कदमों को ऐसे एक कदम पीछे हटे जो लिखा है कहते हैं बयान करते हैं बुजुर्गान, कहा जैसे इमाम ने अपना कदम हटाया उस कदम से नीचे पानी का चश्मा जारी हुआ। मोहम्मद इमाम तशरीफ़ फरमा हुआ ये जहाँ तक ये चश्मा जो है चश्मा ये पानी है और ये जो चश्मा है इमाम के कदमों के नीचे जारी हुआ हुआ चश्मा है। तो मेरी पूछ तो यहाँ पर इमाम के कदम मुबारक हैं कि जब और ये एक खुदा का एक लुत्फ है कि मासूम हस्ती और भी आइमा के देखिए मौलानी कदम हैदराबाद में बलोचिस्तान में अफगानिस्तान में और भी मिस्र में भी हैं, यानी ये हजरत खुदा की अजमत है कि और ये हुरमत है कि अगर ये नरम ज़मीन पर कदम रखें तो ज़मीन को हुक्म के फौरन मट्टी बराबर हो जाए ताकि कोई इस कदम पर अपना कदम रखे अदब से, और यही अजमत मासूम की अगर ये पत्थर पर कदम रखें तो क़यामत तक के लिए वो कदम साबित हो जाए और वो ज़्यादाए आम खास हो जाए। ये सामने नमाज खाने की बहुत कम टाइम है, हमें यहाँ पर लंच में पहुँचना है मस्जिद में, तो आपको फकत 15 मिनट आप लोग ये कदम याद कीजिए और नमाज में पढ़ लीजिए, नमाज में पढ़ी अच्छी बात है आपने और हम 20 मिनट में यहाँ से मूव करेंगे। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम चलें जी हम अंदर मौला इमाम अली रज़ा के कदम मुबारक में अंदर चलते हैं। आपको मौलाना साहब बता रहे थे कि किस तरह यहाँ पे चश्मा जारी हुआ कि इमाम के लिए जो है वो वज़ू के लिए पानी नहीं था, तो यहाँ पर अल्लाह की कुदरत ने के जो है तो वस्त से जो है पानी का चश्मा यहाँ पर जारी हुआ और हम अंदर जा रहे हैं। हम यहाँ पर कदम मुबारक है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के। निशापुर में जगह वाकई है, लेकिन ये जगह है वो देखें सामने मुबारक है आप देख सकते हैं। उनके रस्म में हुसैनी जो
سجاد تو باب البواب موسیٰ کاظم کی ہے اولاد تو مشکل ہماری حل کرو مشکل ہماری حل کرو ہم شیر کار واسطہ المدد مولا رضا المدد مولا رضا. ये देखें बाहर आ गए हैं अब हम इनसे सामने बहुत अच्छा बना हुआ है. ये देखें बहुत खूबसूरत बना हुआ है. अभी मस्जिद की तरफ से आ रहे हैं. हीरा को देख लेना. पर देखें परिंदे बैठे हुए हैं. मैं यहाँ से दिखा के चलो. बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है. ये मेन गेट है. हम पीछे के रास्ते से आए थे इधर. मैं आपको भी दिखाऊं. बिल्कुल सामने इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम के. अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ क्योंकि हमें मज़ीद और ज़्यादा भी करनी है. जैसे जी अब हम आए हैं हज़रत बीबी शतीता निशापुरी. हज़रत बीबी शतीता इमाम मूसा बिन जाफ़र के रोज़े मुबारक पे अंदर दाखिल हो रहे हैं हम. अच्छा जी ये देखें बीबी शतीता से हम बाहर आ गए हैं. हम वापस अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं.
अच्छा जी, हम यहाँ पे अब उतर गए हैं, एक और रोज़े पे आए हैं, तो अब अंदर दाखिल हो रहे हैं। मैं आपको बीबी शतीता का ज़रा बता दूँ कि वो इमाम मूसा काज़िम ने उन्हें जो है पूरी उनको तालीमात दी थी, और वो जो है उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत काम किया, और इमाम मूसा काज़िम ने ख़ुद उनको यहाँ पे भेजा था निशापुर में। और इमाम मूसा काज़िम ने जब उनका इंतकाल हुआ तो इमाम मूसा काज़िम ने ख़ुद उनकी बीबी शतीता की जो है वो नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई थी। तो अब हम यहाँ नए दूसरे रोज़े पे आए हैं, अभी अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहुँच गए हैं रोज़े पे, मोहम्मद महरूक हैं ये इमाम ज़ादे, इमाम मूसा काज़िम के पोते हैं ये, तो इमाम ज़ादे हैं, तो अंदर दाखिल हो रहे हैं। इजारत लिखी हुई है, ये देखें यहाँ बर्फ़ गिरी हुई थी, ये देखें ये बर्फ़ है, तारी बर्फ़ गिरी हुई है यहाँ पे। दाखिल हो रहे हैं हम, इमाम मोहम्मद बिन जैद बिन मूसा काज़िम भी यहाँ पर, इनकी इनका रोज़ा है, तो दो इमामज़ादे यहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, ये देखें ये हम आ गए हैं, हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। ज़ियारत गाह इमामज़ादे इब्राहीम और इमामज़ादे मोहम्मद महरूक, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम अंदर दाखिल होते हैं। ये देखिए इमाम ज़ादे महरूक की यहाँ पे रोज़ा मौजूद है, इमाम ज़ादे महरूक। ये देखिए यहाँ पे कदम मुबारक भी हैं इमाम रज़ा के। अच्छा वो देखिए, मैंने आपको इमाम ज़ादा इमाम महरूक की दिखाई थी, और इमाम ज़ादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है, मैंने रोज़े पे लेके आया हूँ। देखिए हम बाहर जा रहे हैं,
बाहर जा रहे हैं हम गाड़ी की तरफ। अच्छा जी, ये ख्वाजा मुराद के रोज़े पे आए हैं, मज़ार पे आए हैं इनके। ये देखें, ये ऊपर आने का रास्ता है और ये पहाड़ है। ये पहाड़ी के ऊपर सामने आप देख सकते हैं, सामने मौजूद है। अब हम ऊपर जा रहे हैं अंदर। अच्छा जी, ये देखिए हम ऊपर चढ़ रहे हैं और ये जो ख्वाजा मुराद, हज़रत ख्वाजा मुराद जो थे, इमाम अली रज़ा के साहबियों में से थे, उनके बड़े अच्छे करीबी साथी थे, दोस्त थे उनके। तो इनके रोज़े पे आए हैं हम और ये पहाड़ी पे वाक़ है। अच्छा जी, ये देखिए हम ऊपर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ी पे ये वॉक मौजूद है। चलें, अब अंदर चलते हैं हम लोग। ये देखिए अब हम बाहर जा रहे हैं। ये देखिए हम वापस मशहद जा रहे हैं और अभी ये रोकी है, बर्फ़ यहाँ पे गिरी हुई है तो बर्फ़बारी पे रोकी है। गाड़ी यहाँ पे रोकी है, बर्फ गिरी हुई है। बहुत ठीक ठाक सर्दी है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे बर्फ गिरी हुई है, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। अभी अपने गाड़ी रोकी है, ये देखें। तो यहाँ पे गाड़ी रोकी है हमने और अब जाएंगे वापस गाड़ी में बैठेंगे यहाँ सब। अच्छा जी, वापस गाड़ी में बैठ रहे हैं हम और Thank you.
अच्छा जी, हम निशापुर से आ गए हैं वापस मशहद अपने होटल में। तो अब कल हम इंशाल्लाह इमाम अली रज़ा के रौज़े की ज़्यारत करवाएंगे आपको पूरी अंदर से, और कल आखिरी दिन होगा, लास्ट एपिसोड होगी हमारी, और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान वापस रवाना हो जाएंगे। मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।